देखिए बिहार की सच्ची घटना, अभी अभी मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है। और ऐसे तो गिरफ्तारी नहीं हुआ मनीष कश्यप, सबसे पहले हुआ क्या, उसके ऊपर जो है वारंट निकाला गया, FIR करके वारंट निकाला, तो वह जो है फरार था मनीष कश्यप, यानी फरार उसको नहीं कहा जाए, नहीं एक जगह दूसरे जगह जा करके अपना जो है निर्दोष होने की जो है सबूत देता था, परंतु उसी बीच जो है जब वो नहीं पहुंचा तो उसके ऊपर जो है कुर्की जब्ती का आदेश दे दिया, तो पूरे पुलिस बल जो है उसके घर पर पहुंचा कुर्की जब्ती के लिए। यानी जो आप ये देख सकते हैं पूरे पुलिस फोर्स यानी बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस दोनों मिलकर के जो है उसके घर पर पहुंचते हैं और उसके घर पर जो है कुर्की जब्ती का जो है कार्रवाई शुरू करता है। उसके घर से सामान ला करके जो है गाड़ी पर भरा जा रहा है, जो आप ये देख सकते हैं। उसी वक्त जो है मनीष कश्यप को जब ये जानकारी मिलता है कि हमारे घर पर कुर्की जब्ती का जो है वारंट निकल चुका है, तो यह तुरंत आकर के जो है जगदीशपुर थाना में अपना जो है सबूत दे दिया और अपना जो है गिरफ्तारी करवाया, काम आ चुका है, हमारे घर पर जो कुर्की जब्ती हो रहा है उसको आप रोक दीजिए। ऐसे तो नहीं रुका, कुर्की जब्ती का जो है कार्य जारी रहा। इधर जो है मनीष कश्यप को कर लिया गिरफ्तार। जिस समय मनीष कश्यप जो है जगदीशपुर थाना में आया, उसको गिरफ्तार किया गया, उसी समय जो है लाखों की संख्या में बिहार के लोग जो है आकर के वहां पर धरना दिया, वहां पर जो हल्ला गुला किया, जो आप देख सकते हैं मनीष कश्यप को जो है कभी भी जाने नहीं देता था, इतना उसके पक्ष में जो है, इतना जो है अभी जो बिहार के जो है डिप्टी CM है जो तेजस्वी यादव, उसको भी समर्थन में नहीं उतना आदमी है जितना कि अभी मनीष कश्यप के समर्थन में है, क्योंकि मनीष कश्यप जो है एक सच्चा और बिहार का एक नायक था जिसको हीरो कहा जाए, हीरो। और तेजस्वी यादव क्या है, ये कोई हीरो नहीं हो सकता है, एकदम जो है ये हीरो के जीरो के बराबर है। कौन? तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, वह बिल्कुल जीरो है। क्यों हम कहते हैं जीरो है, क्योंकि काम ये घिनौना वाले करता है। अगर मान लीजिए मनीष कश्यप कोई गलत भी किया, ऐसे तो किया नहीं, अगर मान लीजिए किया तो जो है डायरेक्ट जो उसके ऊपर FIR नहीं करना चाहिए, यानी कोई भी जो है किसी के ऊपर डायरेक्ट FIR नहीं कर सकता है, परंतु वह तेजस्वी यादव यानी वह सरकार होते हुए भी यानी उप मुख्यमंत्री होते हुए भी उसके ऊपर जो है क्या दिया, गिरफ्तारी का वारंट निकाल दिया, यानी वह अपना मूर्खता जो है वह दिखाया कि हम कितना मूर्ख है। तेजस्वी प्रसाद यादव ये दिखाया कि हम कितना मूर्ख है, क्योंकि ऐसे काम जो सिर्फ मूर्ख आदमी कर सकता है, पढ़े लिखे आदमी का ये काम है नहीं, और ऐसे भी तो क्या है, ये मूर्ख है ही, क्योंकि नमी फेल है, और नमी फेल होकर के जो बिहार को चलाने के लिए आए हैं वो थोड़ी ना उससे संभल सकता है, उसको कितना सोच सकते हैं वह, कुछ सोच सकते हैं, कुछ नहीं सोच सकते हैं। बाप है ऐसे ही चोर है, चारा चोर किया, चारा घोटाला किया, रेल मंत्री बना, उसमें घोटाला गया, चोर ही हुआ, तो उसका बेटा क्या सौध निकलेगा। मान लीजिए किसी के घर में चोर है तो चोर का बेटा क्या होता है, चोर ही होता है, सौध नहीं होता है, समझ रहा। जब ये मूर्खता होने की क्या दिया, प्रमाण दे दिया, तो खैर ये कोई बात नहीं है, जो ये किया उसको खुद भुगतना पड़ेगा। क्या कहता है, बुरा कर्म करने वाले को जो है ना बुरा ही फल मिलता है, कहा गया बुरा कर्म करने वालों को बुरा फल मिलता है, जो ये बुरा कर्म किया उसको फल भी बुरा ही मिलने वाला है, क्योंकि 2025 में जो है फिर से चुनाव आने वाला है। अभी कर लीजिए अपना मनमानी, कितना करना है, उसी तरह से आपके पिताजी भी क्या था, यानी तेजस्वी प्रसाद यादव के पिताजी भी ऐसे मनमानी करता था, किसी को कुछ नहीं सुनता था। जिसमें तेजस्वी प्रसाद यादव के पिताजी जो थे ना मुख्यमंत्री, उसमें पूरे बिहार में अशांति का राज था, पूरे जो डर का माहौल था, किसी को बोलने का अधिकार नहीं था, यानी बिल्कुल यानी डरा हुआ सिमटा हुआ व्यक्ति था। आज जागरूक हुआ है तो उसके ऊपर फिर से वही पाबंदी लगा रहा है, और वह पाबंदी कितना दिन लगा सकता है आप सोच सकते। जितने भी हमारे व्यूजर है, हमारे सब्सक्राइबर है, वो अभी देख रहे हैं हमें, और क्या आप लोग बताइए कि अभी के समय में जो फिलहाल जो वर्तमान समय है उसमें किसी को दबाना बस की बात है, नहीं है। नहीं, जितना दबाओगे उतना और आक्रोश आता, उतना और जो आपके खिलाफ होगा, सही है कि नहीं। आप जितना किसी के ऊपर जो है दबाव डालेंगे तो वह क्या होगा, इससे दुगुना जो है यानी शक्ति लगाएगी आपके ऊपर,
मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को जो है ना कोई गलती किया, उसको समझा करके नहीं, उसको एक थप्पड़ दे दिया, क्या करेगा बच्चा? आपको गाली ही ना देगा, मारबे करेगा, छोड़ेगा नहीं। तो अभी के समय जो मुख्यमंत्री है वही काम किया है, बिना सूचना के बिना कुछ किए वारंट 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 है क्या? थोड़ा पढ़े लिखे होते ना तो आप ये वारंट 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 करवे ही नहीं करते, एफआईआर नहीं करते, पढ़े लिखे का ये कोई पहचान नहीं है। इसलिए थोड़ा अभी भी समय है, दसवीं जी के अभी भी क्या है समय है कि वह जाकर के थोड़ा स्कूल में क्लास कर ले, हाँ वो अभी जो है शिक्षित हो जाए तब ना बिहार को शिक्षित करेगा, हो समझिए ना। तो इस तरीके जो अभी बिहार में अशांति का राज पैदा कर दिया है उससे क्या होता है, तो उसके बस की बात नहीं रोकना, क्योंकि इससे दुगुना पावर से क्या होगा, जनता और गुस्सा होगा, और मनीष कश्यप के तो समर्थन में सब है ही, मनीष कश्यप के समर्थन में सब है ही। और ऐसे भी जो हमारे बात सुनता होगा जो क्या कह रहे थे तेजस्वी प्रसाद यादव के जो पार्टी का होगा, जो उसके चमचा उमचा होगा, तो वो क्या करेगा, रे विवेक सर है ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ऐसे ही कहता, ये क्या है, ऐसे कहेगा। पर तो हम इसका भी परवाह नहीं करते हैं, हम इसका भी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति का कार्य है, एक शिक्षित व्यक्ति का कार्य है सबसे पहले अपने समाज को सुधारो, अपने समाज को प्रगति करो, अपने समाज में अपना नाम रोशन करो, इसके बाद अपने गांव में, अपने जिला में, अपने राज्य में, अपने देश में, हर जगह उजागर करो, एक शिक्षित व्यक्ति का कार्य यही है। परंतु तेजस्वी जैसे आदमी को यह समझ नहीं आता है, और आएगा भी नहीं उसको, क्योंकि हर रोज ये भैंसिया का 2 रुपया है, जो भैंस का 2 रुपया का उसको दिमाग कैसा होगा आप जानते हैं ना, है गया है उसके दिमाग, उसके दिमाग में भूसा, चलिए ऐसे कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब जो है आप लोग देखते रहिए कि अब जो है मनीष कश्यप जी को होता क्या है, यानी उसको गिरफ्तार तो किया गया है, मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया है, परंतु क्या गिरफ्तारी के कारण वो कितना दिन तक उसको जेल में रख सकता है, मनीष कश्यप को कितने समय तक उसको कैद कर सकता है, अब ये देखना है। क्योंकि मान लीजिए कि वो उप मुख्यमंत्री साहब जो है उसके पक्ष में जितना आदमी उतना उससे ज्यादा कई गुना जो है मनीष कश्यप के पक्ष में है, और जो अभी फिलहाल में जो और आया है तमिलनाडु से, वो अभी अपना बयान जो है सोशल मीडिया पर भी दे रहे हैं कि हमारा यहाँ पर चाकू लगा है, तो यहाँ पर लगा है, यहाँ पर मारा, अभी भी जो है दवाई दे रहा है, तो उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं जाता है, सरकार को सच्चाई को पता क्यों नहीं लगवाते हैं? एक निर्दोष व्यक्ति को जो है जेल की सखापों में रख देंगे, वह कहां की न्याय है? जब न्याय देने वाले ही अन्याय करेगा, जब राजा ही भ्रष्ट बन जाएगा, तो जनता का हाल क्या होगा, सोच सकते हैं? जब राजा ही भ्रष्ट बन जाएगा तो प्रजा को क्या होगा? इसीलिए अभी बिहार का राजा यानी मुख्यमंत्री, चलो बिहार का एक राजा हुआ और वही भ्रष्ट, तो जनता क्या होगा? राजा का काम है समझाना। मान लीजिए कि कोई घर है, उसके घर में एक सदस्य समझदार होता है, जो घर को चलाने के लिए समझदार होना चाहिए। अगर घर का सदस्य ही जो है जिसको गार्जियंस कहते हैं, तो वही समझदार नहीं, तो घर को क्या होगा, बेच करके खा जाएगा। उसी तरीके से भी तेजस्वी प्रसाद यादव जो है बिहार को बेचने में लगा हुआ है, उसके पिताजी बेचा, उसके माताजी बनाता हुआ बेचा, सब बेचवा, और क्या उसके बेटा क्या होगा, बेचवे करेगा ना, बेचने वाले को बेटा क्या होगा, बेचवे करेगा, और वो जो है पूरे दुनिया पर